पत्रकारों को हम लोग सच्चाई बताना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ तक सही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने डाला है कि हमने व्यर्थ उद्धर मचाया, खाली पेपर ले आके थाने में प्रदर्शन किया, हमारे खिलाफ उठपटांग सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो कम से कम पत्रकारों को हम बताएं तो सही कि सच्चाई क्या है। यहाँ ये आज 300 वर्ष पुराना मंदिर, मालियों की कॉलोनी, जिसमें प्राचीन मंदिर के ऊपर गंदगी डाल रखी है, नॉनवेज शराब डाल रखी है, मंदिर को तोड़ा है, मूर्तियों को फोड़ा है, और उसके बाद मूर्तियों को कहाँ ले गए ये भगवान जाने। अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियाँ हैं, वो चोरी हो गई यहाँ से। तो हम लोग इन बातों से पीड़ित हैं, और लगभग शहर में 100 से ऊपर मंदिर है परकोटे में, जिन मंदिरों को हमने तलाश कर लिया है, और हम आपको आए दिन बुलाते रहेंगे और ये मंदिर दिखाते रहेंगे। हालांकि हमें कईयों का प्रेशर आ रहा है, कई अधिकारियों का, नेताओं का, कि हमें बता दो हम करेंगे ना। अब हमारे सोशल मीडिया और आप मीडिया के साथ मिलकर ही हम इसका स्टिंग ऑपरेशन करके आपको बताएंगे कि स्थितियाँ यह है। जो अपने आप को कहते हैं ना कि हम लोग जनसेवक हैं, तो जनसेवक हो तो ये कचरे का डिपो है, कचरा होने देंगे हम? यहाँ प्राचीन मंदिर है भगवान का, किसी देवालय को कौन इस तरीके से गंदा करता है? किसी का भी हो वो, किसी भी हम देवता का अनादर नहीं करते, लेकिन हमारे देवी देवताओं को जो अनादर हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। और फिर सोशल मीडिया से धमकियां दी जा रही है, हम धमकियों से नहीं घबराते, मरना है एक दिन, मर जाएंगे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो धमकियां दे रहे हैं वो आज सुन लें मीडिया के माध्यम से, उन्हें कुछ करना है तो वो कर लें। हम तो निकल चुके हैं, नाम मेरा बालमुकुंदाचार्य है, मैं निकल चुका हूं इस मिशन पे, 100 से ऊपर परकोटे के मंदिर इसी प्रकार से मुक्त कराऊंगा कचरे के ढेर से, और जिस प्रकार से मंदिरों का नुकसान किया है उन मंदिरों का नुकसान का भरपाई कराऊंगा जिन लोगों ने किया है। किन लोगों ने किया है? ये यहाँ रहने वालों ने किया है, कौन करेगा? जो भगवान की पूजा आराधना वाला तो करेगा नहीं, सेवा पूजा करता है वो करेगा नहीं, कौन लोग करेगा? उस क्षेत्रवासी करेंगे। या हिंदू पलायन कर गए, क्यों कर गए? हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया, परेशान किया, ना उनकी प्रशासन सुनता, ना उनकी नेता सुनता, फिर वो कहाँ जाएंगे? वो बेचारे मकान छोड़ के भाग जाएंगे, और मकान छोड़ के चले गए वो सारे मकान, आप देख लो गणेश जी के आड़े, देख लो मकानों पे, मैं मिथ्या नहीं कह रहा, गणेश जी के आड़े हैं मकानों पे पुराने, उन गणेश जी के आड़े थे तो आप सोचो वो कौन थे? वो गणेश जी के आड़े आज खाली हैं, मंदिरों में कचरे का ढेर, गंदगी है, मंदिर की मूर्ति टूटी पड़ी है, कौन से